नमस्कार, बात पते की मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है मिनिमम इनकम गारंटी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 3 राज्यों में जीत के बाद किसानों के कर्ज माफ़ी कराने के बाद ये वादा कर रहे हैं कि यदि वो केंद्र में सत्ता में आए तो सबको मिनिमम इनकम गारंटी देंगे, यानी कि सबको कुछ न कुछ मंथली इनकम कराएंगे वो। दूसरी तरफ मोदी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंट्रीम बजट को लेकर के बहुत सारे वर्गों के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर के आने वाली है इंट्रीम बजट में, जबकि देश की इकोनॉमी की स्थिति ये है कि हमारा जो कुल जीडीपी है लगभग 2 करोड़ लाख का है और जो भारत सरकार का इस समय बजट है लगभग 25 लाख करोड़ का, और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5 के आसपास है और उसे 2.5 पर ले आना है अकॉर्डिंग टू टारगेट। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने सारे जो वायदे किए जा रहे हैं, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी हो रही हो या कॉरपोरेट की हो रही हो या किसी और वर्ग की, और इतने सारे जो वायदे किए जा रहे हैं उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो हमारे साथ इस पर परिचर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट संदीप अमर साहब और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे रितेश वर्मा जी। सबसे पहले मैं अमर साहब से पूछूँगा कहाँ से पैसा आएगा। देखिए, मतलब जैसे आपने सवाल पूछा कि कहाँ से पैसा आएगा, तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है कि आप 2 बच्चे करें जिनकी आप एजुकेशन करवा सकते हैं, आज की रेट में जनरल पब्लिक स्कूल की फ़ीस मेरे ख्याल से 3 से 5 हज़ार रुपये महीना हो गई, माइनस ट्रांसपोर्टेशन लगा तो मेरे ख्याल 5 हज़ार रुपये महीना करीबन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है, और 2 बच्चों की 10 हज़ार हो गई, और 5-7 हज़ार का बच्चों के साथ और पढ़ाई का खर्चा है 16-17 हज़ार। तो अगर आपके पास 20 हज़ार रुपये महीना बच्चों की फीस और पढ़ने के लिए नहीं है और आपने 2 की जगह 10 बच्चे पैदा कर लिए, तो क्या आप 10 लोगों को पढ़ा सकते हैं? तो पैसा आएगा कहाँ से? आपका सवाल ही आपका जवाब है, पैसा नहीं है। तो क्या ये लोग जानबूझ करके ऐसे वायदे कर रहे हैं जो पूरा नहीं कर सकते? यदि पूरा करेंगे तो देश रसातल में जाएगा, उसकी इकोनॉमी रसातल में जाएगी। देखिए, देश और दुनिया हर जगह पॉलिटिकल लीडरशिप का एक ही ऑब्जेक्टिव रह गया, जीतना। जैसे न्यूयॉर्कर में एक आर्टिकल छपा था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते वो बहुत घबरा गए, क्योंकि वो जीतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे जो मर्जी झूठ बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से वही मिस्टर मोदी और मिस्टर राहुल गांधी दोनों ने ये देश को बर्बाद करने का पूरा फैसला कर लिया, और हर एक आदमी अलग अलग तरीके से बर्बाद करने को बिल्कुल तैयार बैठा। जैसे प्रयागराज पे वो आज सब लोग नहाने चले गए, तो योगी जी कह रहे हैं कि हम अपना मीटिंग हिंदू तरीके से करेंगे, 60 इयर्स के ऊपर के साधुओं को फ्री पैसा देंगे, कोई किसी को फ्री पैसा बांट रहा है, कोई किसी को फ्री पैसा बांट रहा है। ये देश बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप फ्री पैसा लाएंगे कहाँ से? मतलब राहुल गांधी खुद तो आज तक उन्होंने कोई नौकरी की नहीं, ना ही पैसा कमाया। मोदी जी ने भी मेरे ख्याल से, मतलब लास्ट वो चाय वाला भी कुछ खास प्रूव हो नहीं पाया कि उन्होंने चाय बेच के पैसा कमाया। और इन लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में खुद BMW मर्सिडीज़ में घूमते हैं, राहुल गांधी जी भी और मोदी जी भी बड़े बड़े मकानों में रहते हैं जहाँ 25-25 नौकर हैं। तो ये आम आदमी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एब्जेक्ट पावर्टी एक तरीके की पावर्टी होती है जिसमें न्यूट्रिशन भी दिन में नहीं मिलता, अभी भी इंडिया में 20% से ऊपर है, और आप क्या, मतलब फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी? पैसा है ही नहीं। रितेश जी, क्या लगता है आपको, गरीबों का कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, किसानों की नहीं होनी चाहिए, मतलब कौन सूद लेगा इनके? नहीं, जो राहुल गांधी का मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम है वो मेरे हिसाब से देश के हर नागरिक के लिए नहीं, उनके सम्मानी के लिए नहीं, सुनील भारती मित्तल के लिए नहीं है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के लिए भी नहीं है। वो उन लोगों के लिए होगा जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं, जिसकी फैमिली में, वो अभी तो सिर्फ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और कल वो छत्तीसगढ़ में बोले हैं, केरला में बोले हैं, हाँ। और केरला में जो उन्होंने बोला है उसी के हवाले से ANI ने उसको ट्वीट किया। हाँ, नहीं, राहुल गांधी ने खुद भी ट्वीट किया था, तो अब उस ट्वीट के बाद अभी तो सिर्फ एक ऐलान हुआ है, अभी तो ऐलान नहीं, वोट लेने के लिए सब कुछ हो रहा है ना। अभी 3 स्टेट्स में जो उन्होंने कर्ज माफी किया जी, उसका पैसा कहाँ है उनके पास? नहीं, अभी तो हम मिनिमम इनकम गारंटी पर बात करते हैं, अगर उन्होंने ये ऐलान किया है तो अभी तो उसका ब्लू प्रिंट आएगा, और अनुमान ये है कि जो मोदी सरकार के, देखिए, मिनिमम इनकम गारंटी का मतलब ये हुआ ना मुफ्त में पैसे दो, जैसे MG NREGA में दे रहे हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल में दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि MG NREGA जो है वो कांग्रेस का फेलियर है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसका क्या लॉजिक? वैसे एक चीज़ और मैं बीच में क्लियर कर दूँ कि जितना जहाँ जहाँ पर कर्ज माफ़ी की गई है, पंजाब,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ को छोड़ करके, वो किसी भी राज्य सरकार की स्थिति नहीं है कि वो कर्ज माफी को बियर कर पाए, उसके लिए उसको कर्ज लेना है और इवन कर्ज का वो किस्त भी नहीं चुका पा रही है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान। नहीं, एक बात आप मेरे को समझाइए, किसान होने में क्या खास है? सपोज आपका नौकरी चला जाए और आपके ऊपर कर्ज है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे सरकार आपका कर्ज दे देगी? आप तो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी तो किसानों की तरह देश की सेवा कर रहे हैं। जो क्या जर्नलिस्ट का कर्ज माफ होना चाहिए? नहीं नहीं, कर्ज माफ तो कर्ज माफी प्रोफेशनल्स की, मतलब क्यों क्यों जर्नलिस्ट का कर्ज क्यों नहीं माफ होना चाहिए अगर किसान होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज के जो ये वादे होते हैं, वो 2 रुपए का अंडा करी क्यों मिलना चाहिए पार्लियामेंट में? एक अंडा मिलता आपको 2 रुपए का? आप बाहर सड़क पे अंडा खाते हैं, आपको मिलता है क्यों 2 रुपए की अंडा करी पार्लियामेंट में? आप पॉलिटिकल लीडरशिप से आप काफी नाराज हैं टैक्सेशन को लेकर। मैं जर्नलिस्ट से भी नाराज हूं। मेरा 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 सवाल आपसे यह है कि अगर जर्नलिस्ट का कर्जा माफी क्यों नहीं होना चाहिए? एक जर्नलिस्ट का कर्जा माफी इसलिए वो नहीं करते क्योंकि जर्नलिस्ट जो लोग होंगे वो मिडिल इनकम ग्रुप में होंगे, कुछ टैक्स पे कर रहे होंगे और सरकार की ये सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उनके लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अपने घर में 2 सुबह शाम का खाना का इंतजाम नहीं कर सकते। बिलो पॉवर्टी लाइन हम क्यों हैं? ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की फेलियर है, ये हमारे पॉपुलेशन का फेलियर है सर। इतनी कम जन, इतनी कम भूमि में इतने सारे लोग दुनिया में कहीं भी नहीं। वैसे एक सवाल और किसान नेता उठाते हैं कि जब किसानों की बारी आती है या गरीबों की बारी आती है, कुछ सरकार देने की कोशिश करती है, तभी ये बहस क्यों होती है? क्यों नहीं कॉरपोरेट को जब दिया जाता है या उनकी ऋण माफ़ी की जाती है तब तो इतना मीडिया में शोर नहीं मचता है? देखिए, जो अमीर लोगों की कर्ज माफ़ी है और जो गरीब लोगों की कर्ज माफ़ी है, उसमें एक ही मतलब कर्ज अमीरों माफी, का कर्ज अमीरों की कर्ज माफी बेल आउट कहा जाता है और इनकी कर्ज माफी को ना लोग कर्ज माफी कहते हैं। जैसे कर्ज इन्होंने, मतलब जैसे गरीब होते हैं वैसे उनके लिए शब्द भी चुन लिया और जाता है। और वहां तो राइट ऑफ भी एक और वर्ड है, सिर्फ बेल आउट ही नहीं है, राइट ऑफ भी है। राइट ऑफ और नहीं, राइट ऑफ भी नहीं है, वो ये कह रहा है इस साल से राइट ऑफ कर दो, बट कर्जा पेंडिंग है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोलते हैं ना कि ऐसा ही कर्जा मेरा भी माफ कर दो जैसे उनका किया है वैसे, क्योंकि वो टेक्निकल राइट ऑफ नहीं होता, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने के लिए वो कहते हैं कि बुक्स से हटा देते हैं उसको, तो कहते हैं मेरी भी बुक्स से हटा दो। तू तो एक गिमिक हुआ कि मतलब नहीं, आप गिमिक नहीं है। देखिए ऐसा है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ILFS का, ठीक है। ILFS जनरली सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फंड करती थी, ऑलमोस्ट क्वाज़ी गवर्नमेंट टाइप की कंपनी है, जहाँ एक मेजर फाइनेंशियल ब्लंडर हुआ, ठीक है। आज की डेट में कॉरपोरेट सीईओज को 25 करोड़ की तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन ILFS के सीईओ को 25 करोड़ की तनख्वाह दे रहे हैं, और ILFS के सीईओ और उनके सारी टॉप मैनेजमेंट को निकाल दिया। उनके खिलाफ क्रिमिनल केस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कहते हैं ये बैड डिसीजन मेकिंग है, ये इलीगल नहीं है। तो कॉरपोरेट की कर्ज माफी होती है बैड डिसीजन मेकिंग, और किसानों की कर्ज माफी भी बैड डिसीजन मेकिंग है। कर्ज माफी इलीगल या लीगल नहीं है, बैड डिसीजन मेकिंग को बेल आउट कर रहे हैं। सत्यम का फ्रॉड है, जहां प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने कहा कि इनके पास इतने की फिक्स डिपॉजिट है, जबकि उनके पास नहीं थी। इसमें प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को भी कुछ साल के लिए इंडिया में बैन कर दिया गया, लेकिन उसको बेल आउट कहा जा रहा। US में जो बेल आउट हुआ है वो बैड डिसीजन मेकिंग हुआ है, लेकिन US में एक मैडो का केस है जो फ्रॉड है, एंड मैडो इज इन जेल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैड डिसीजन मेकिंग एंड फ्रॉड। आज ही कोबरा पोस्ट का भी स्टिंग ऑपरेशन आया DHFL पे, DHFL कि उस कंपनी की नेटवर्थ है 8500 करोड़ के आसपास, 9000 करोड़ की कंपनी, और उसके ऊपर कर्ज जो है वो 95000 करोड़ का, और उस कर्ज का बड़ा सा हिस्सा जो है स्टेट बैंक जैसे सरकारी बैंकों का। देखिए सर, क्या है कि कोबरा पोस्ट का भी जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज अ फेयर थिंग, और पीछे कैरवन मैगजीन में भी अजीत डोभाल और उसके बेटों पर आर्टिकल छपा, लेकिन ये सब चीज़ें अभी प्रूवन नहीं है। तो मतलब हम ध्यान से इस पे बात करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या है कि देर आर वेरियस टेक्निकलिटीज़, और कोबरा पोस्ट खुद भी सेंसेशनलिज्म में ज़्यादा बिलीव करता है। अगर वो एक मास मीडिया या क्वालिटी मीडिया होता तो शायद वो ज़्यादा पॉपुलर होता। कहने का मतलब ये है कि किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, जर्नलिस्ट की नहीं होगी। और एक पर्टिकुलर सेट आप कहते हैं ये पुअर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है, जो पुअर के लिए पैसा जाता है वो पुअर तक पहुंच ही नहीं पाता, 80% तो वो करप्शन में चला जाता है। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि पहुंच जा रहा है, सीधे खाते में ट्रांसफर हो रहा है, DBT डायरेक्ट बेनिफिट। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ हो रहा है,
आप बताइए कैसे हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मजदूर कार्ड है, एक मजदूर कार्ड में गर्ल चाइल्ड और उसका अलग से पैसा दिया जाता है। मजदूर कार्ड कौन बनवा सकता है और किसने बनवा रखा है ये आप देश में चेक कर सकते हैं। और जो आदमी आपको 8,000 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट देने का साइनिंग अथॉरिटी है वो आपसे 2,000 रुपये कैश ले लेता है। बताइए हरितेश जी, किसानों का, गरीबों का, पत्रकारों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी ये निजी राय या उनकी एक मेरी निजी राय होगी कि किसी का कर्ज नहीं माफ होना चाहिए, सिर्फ सिवाय किसानों के, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर डूब जाता है, हम आप बड़े बड़े उद्योगपति जो कंपनी चलाते हैं वो एक कंपनी बंद करके दूसरी कंपनी खोल लेते हैं, लेकिन एक किसान जिसके पास कुछ खेत है उस खेत में वो कोई फसल लगाता है और उसके उसको बोने में, उगाने में, काटने में, फिर मार्केट तक ले जाने में जो उसका टोटल कॉस्ट है, उस कॉस्ट की अगर रिकवरी नहीं हो पाए तो हम एक बात और बताइए, फार्मिंग इनकम पे टैक्स है? नहीं, फार्मिंग इनकम पे टैक्स नहीं है। नहीं, आपको पता है कि पंजाब के किसान कितने अमीर हैं? पंजाब के किसान से पूरे देश के किसानों की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? पंजाब के किसानों के पास जितने संसाधन रहे होंगे, वहाँ जो सुविधाएं हैं सिंचाई की, बिजली की। सर, पंजाब बहुत लेट स्टेट बना था, आपको पता होगा, पंजाब इज अ मच लेटर स्टेट, वहाँ कौन सी सुविधाएं? भारत की वहाँ की जमीन ज़्यादा उपजाऊ है, ये बात ज़रूर मानी जा सकती है, वही तो, क्योंकि वहाँ नदियों का पांच नदियां पंजाब। भारत में जो खेती है वो मोस्टली तो एक तो वो मौसम पे डिपेंड है। सर, जो मिनिमम इनकम है वो किसी को कहाँ से आप देंगे? आप दो तरीके से इनकम दे सकते हैं, या तो आप टैक्स लेके देंगे या आप प्रिंट करेंसी प्रिंट करके देंगे। करेंसी अगर आप प्रिंट करते हैं, सपोज मार्केट में 100 बिलियन डॉलर्स है या 100 बिलियन रुपीज़ हैं, आप अगर 50 बिलियन और छाप देंगे तो आपकी तो 50% टैक्स इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ना। इन्फ्लेशन इज मनी चेजिंग गुड्स, तो अगर आप मनी ऐसी प्रिंट करके डाल देंगे तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वही चीज़ महंगी होने लगेगी, तो वो भी गलत है। आप किसी के हाथ में 10 रुपये रख देंगे, 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे वेनेजुएला में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, आपको पता ही है, वेनेजुएला में तो 1,25,000 रुपये में एक कप चाय मिल रही है। अब कहा जा रहा है कि जो विकसित देश है लाइक फ्रांस, फ्रांस में भी है, जापान में भी है, ये वाली जो स्कीम में, जापान में 46,000 रुपये वहाँ मिलता है एक बेरोजगार को महीना। नहीं, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन कंट्रोल में है। तो यहाँ यदि पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है तो सबको भूखों मरने दिया जाए? देखिए, वो तो भूखे मरेंगे ही, वो कैसे नहीं भूखे मरेंगे? अगर आप 10 बच्चे पैदा कर लेंगे तो वो तो भूखे मर रहे हैं। ये तो एक आपका जर्नलिस्टिक डिस्कशन है, क्या लोग भूखे नहीं मर रहे हिंदुस्तान में? नहीं, अब कम हुआ है पहले से। कौन कहता है पहले से कम हुआ है? ये तो जो विश्व बैंक की या जो भी IMF की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी आती है बात। स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स है जिससे कंट्रोल तो हुआ है, मनरेगा से भी गांव में थोड़ा पैसा। सर, आज से सिर्फ 5 साल पहले की रिपोर्ट है कि 80% ऑफ इंडिया सर्वाइव्स इन लेस देन 20 रुपीज़ अ डे। ये उन्हीं लोगों के लिए, ये राहुल गांधी और मोदी जी का वो जो स्कीम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, UBI, और राहुल गांधी ने जो कहा है मिनिमम गारंटी। सर, आप 30,000 करोड़ के मनरेगा को देख लीजिए, MG NREGA जो है, मनरेगा या महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है, वहाँ वो क्या करते हैं? वो रोज स्कूल की दीवारें पेंट कर रहे होते हैं, कभी गड्ढा खोद रहे होते हैं, कभी गड्ढा बंद कर रहे होते हैं। सर देखिए, एक तरफ होता है लेबर और एक तरफ होता है मनी। लेबर हैज टू रिजल्ट इन टू सम रिसोर्सेज ना, आप इकोनॉमी की धज्जियाँ थोड़ी ना उड़ा देंगे। मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उसी को, कभी मैं गड्ढे खोद रहा हूँ, कभी, मतलब मैं आर्मी के अगेंस्ट आजकल कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप दर्शक मेरी बात को प्लीज़ गलत मत लें, लेकिन मैं जब कोचीन में गया था और नेवल फोर्सेस के पास शायद उतना काम नहीं है, तो जो जूनियर नेवल, बहुत जूनियर नेवल के बच्चे थे, वो रोज़ गड्ढा खोदते थे और उस गड्ढे को बंद करते ताकि वो फिजिकली फिट रहें, क्योंकि उनके पास कोई काम था ही नहीं पूरे दिन। मनरेगा में भी ऐसा, मनरेगा में भी ऐसे ही है। 30,000 करोड़ रुपये, देखिए मनरेगा लाई इसलिए गई है कि जो गरीब लोग हैं जिनको कोई नहीं मिल रही नौकरी या फिर कुछ भी साधन नहीं है, वो कुछ कमा लें, लेकिन वो कुछ कैसे कमाएं? कि गांव का स्कूल जो बनाने के लिए पैसे पहले लगते थे वो ना लगे, बट ऐसा हो नहीं रहा। मनरेगा में जो वो गारंटी करते हैं, इतने दिन का गारंटी, 3,500 रुपये का गारंटी, उस सब का बेसिस क्या है? उस सब का बेसिस ये है कि द लेबर हैज़ टू मूव इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी।
देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आपकी बात में नो डाउट दम है कि इकोनॉमी एक्टिविटी तो हो ही नहीं, होनी ही चाहिए और हर हाथ को काम मिलना चाहिए। मेन चीज ये है, आप अभी उस सवाल का जवाब नहीं मिला है, मुझे लगता है आप बहस खत्म करने के मूड में। हाँ, इसलिए कि बहुत लंबी जा रही है, बहुत लंबी चली है, लेकिन आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। अभी पहले वो उसका जवाब देंगे। आप पूछिए कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है हमारे पास, वही तो बता रहे हैं। हमारा देश नोट छापेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, बर्बादी की तरफ भाग रहा है। आप देखेंगे कि अभी तक हमारा जो पिछला जनरेशन था, जैसे अमेरिका में 70s की जनरेशन को बेबी बूमर जनरेशन कहते हैं, लेकिन धीरे 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 अमेरिका का जो कर्जे पे रहने वाला जीवन, अब हमारा यूथ उसमें आ चुका है कि वो क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर रहे हैं। 100 रुपीज़ कमा रहे तो 110 रुपीज़ उनके खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि उसने उतने लाख की कार ले ली है जितने लाख का उसे लोन मिल सकता है। अगर उसको तो अगर पैसा नहीं है तो राहुल गांधी क्या झूठा सपना दिखा रहे हैं? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठा सपना। और वो झूठा ही सपना नहीं दिखा रहे, वो इससे भी बड़ा सपना दिखाएंगे। वो ये कहेंगे ना केवल हम मिनिमम वेज देंगे, आप सबको मार्स भी ले जाएंगे। क्योंकि अब हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि कुछ भी बोल दो, इलेक्शन जीत जाओ फिर देखा जाएगा। तो नितिन गडकरी यही तो कह रहे हैं कि आप ये जो वायदे कर रहे हैं अभी, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि किसकी तरफ उनका इशारा है, तो जनता बाद में पीटती भी है जब पूरे नहीं होते हैं। नहीं देखिए, नितिन गडकरी जो कहते हैं जनता बाद में पीटती, और देखिए बाद में तो 5 साल तो बीत ही गए ना आपके सरकार में। देखिए देखिए जो एक चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस होता है वो तो एक महल की तरह है कि नहीं है सर? बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस तो महल की तरह, 5 साल आपने महल में काट लिए। फिर मैंने आपको अभी डिबेट से पहले एक एग्जांपल दिया कि गुलाम नबी आज़ाद जो अभी किसी भी लीडरशिप पे नहीं है, एक दिन मैंने अभी उन्हें एक रिसेप्शन में बैठे देखा, 5-6 ब्लैक कैट कमांडो और ये सब क्या शान से जी रहे थे, क्योंकि वो एक टाइम चीफ मिनिस्टर है। तो गरीब आदमी मर रहा है, वो पॉलिटिशियन ऐश कर रहा है, और वो ऐश करते करते कह रहा है देखो इसको भी मैं रोटी दूंगा। जवाब मिला, कंक्लूड किया जाए? हाँ, कंक्लूड कर सकते हैं। क्या आपकी राय है कि मतलब ऐसा होना चाहिए बेशक इकोनॉमी कहीं भी जाए? ये राजनेताओं की जो संपन्नता पे संदीप जी बात कर रहे हैं और जिन का नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, वो अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर को सिर्फ चीफ मिनिस्टर होने के नाते ही थ्रेट परसेप्शन के आधार पर कुछ तमाम तरह की सिक्योरिटीज मिल जाती है। और कई नेता ऐसे भी हैं जो बेवजह की सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, और वो उस डिबेट को, उस चीज़ को, या उस नेता के भ्रष्टाचार की वजह से, या किसी नेता के कमाई की वजह से, इस देश की अगर एक आबादी है जो अपने लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पा रही है, पीने का इंतजाम नहीं कर पा रही है, दवा का इंतजाम नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए बेसिक जो ज़रूरत है खाने का, दवा का, इलाज का, उसके बच्चे की पढ़ाई का, वो ये इंतजाम करना सरकार का काम है। ये और इंतजाम इस, और उस, करने उस, उसके लिए पैसा जो हम टैक्स पे रहे, पैसा नहीं चाहिए होता रितेश जी, उसके लिए चाहिए होता है ऑटोबान। जब जर्मनी डिप्रेशन से उठ रहा था तो हिटलर ने सबकी क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा कि हम हाईवेज बनाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े हाईवेज बनाएंगे, और वहां उसने सबको नौकरी दी, ऑटोबान कहते हैं उसे। आप ऐसा काम करिए जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, जैसे चाइना कर रहा, जैसे चाइना कर रहा। चाइना ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरीब लोगों को झुग्गियों से उठा के फ्लैटों में ट्रांसफर कर दिया। आप ही बता रहे थे उस दिन की स्टडी। तो वो ये कर रहे हैं कि वो अपनी आखिरी जनरेशन जो बिल्कुल झुग्गी लेवल पे रह रही है उसको भी अर्बनाइज कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन उसी चाइना में हम जैसे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाले जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे, उसी चाइना में दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने आप चले जाएँ तो भी बस का किराया 1 रुपया है, और 100 मीटर जाएँ तो भी बस का किराया 1 ही रुपया। सरकार का जो वेलफेयर नेचर है, वेलफेयर चेहरा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए है। देखिए ऐसा है, सरकार का वेलफेयर चेहरा बस के किरायों से नहीं नापा जाता है। इंडिया इज द रेप कैपिटल इन द वर्ल्ड। और जब आप थ्रेट परसेप्शन की पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं ना, और वो एफ्सपा जो लगता है जम्मू कश्मीर के हिसाब से, थ्रेट किसको है, पॉलिटिशियंस को है या पब्लिक को है? आपको पता है पिछले एक साल में जितने जम्मू कश्मीर में लोग मारे गए हैं उतने कभी नहीं मारे गए, आज तक नहीं मारे गए।
तो थ्रेट पब्लिक को है, पब्लिक को बचाएं या पॉलिटिशियंस को बचाएं? ये बहस खत्म होने वाली नहीं है। दो तरह की राय है। हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि इकोनॉमी की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आप हर हाथ को काम दीजिए, न कि मुफ्तखोरी की आदत डालिए, जबकि दूसरी राय ये उभर करके आ रही है कि इकोनॉमी का रोना रो करके आप गरीब लोगों का ऐसा नहीं है कि सूद लेना आप भूल जाए। तो ये तो अपनी अपनी राय है। तो आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।